दोस्तों, दुनिया में कितनी भी मशहूर व अच्छी पेंटिंग क्यों ना बनी हो, लेकिन मोनालिसा की पेंटिंग के आगे वो टिक नहीं पाती। म्यूजियम में कई पेंटिंग्स होती हैं, पर सभी की नजरें मोनालिसा की पेंटिंग पर ही होती है। मोनालिसा ना केवल एक पेंटिंग है, बल्कि अपने आप में एक रहस्य है, जिसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। इस रहस्य को जानने के लिए काफी पेंटर्स व लोगों ने इस पर काम भी किया, लेकिन इस सच का पता नहीं लगा पाए हैं। 500 साल पहले पेंटर लियोनार्डो दा विंची ने इसे बनाया था। इस पेंटिंग की मुस्कान को लेकर कई तरह के रहस्य सामने आए हैं। कहा जाता है कि इस चेहरे की मुस्कान हर कोने से अलग ही एंगल में दिखाई देती है। पहले ये काफी ज्यादा दिखाई देती है, धीरे धीरे ये फीकी पड़ने लगती है, आखिर में तो ये पूरी तरह से खत्म हो जाती है। मोनालिसा का खिताब माई लेडी होता है। इस पेंटिंग के साथ में कई तरह के और भी रहस्य जुड़े हुए हैं, जिन्हें आज हम आपको बताने जा रहे हैं। 23 जून 1952 को ल्यूक मैस्पेरो नाम के एक यंग फ्रेंच आर्टिस्ट ने पेरिस के एक होटल की चौथी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी थी। वो मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान के लिए पागल हो गया था। वो उसकी सुंदरता पर मोहित था। उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा, जिसमें उसने मोनालिसा के लिए प्यार और सालों के इंतजार की बात लिखी थी। माना जाता है कि इस पेंटिंग के लिए जिस महिला को चित्रित किया गया, उसके अंदर कई तरह के राज छिपे हुए थे, इसीलिए ये पेंटिंग भी इतनी रहस्यमयी है। शायद यही कारण है कि आज तक इस पेंटिंग की मुस्कान भी एक रहस्य है। रिसर्च के दौरान एक डॉक्टर ने कहा था कि मोनालिसा के ऊपर के दो दांत टूटे हुए थे, जिस कारण उनके ऊपरी होंठ अंदर को दबे हुए हैं। ये कारण है कि हर एंगल से उनकी स्माइल अलग दिखती है। वहीं हार्वर्ड के न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर मार्गेट ने कहा कि मोना की स्माइल नहीं बदलती है, ये हमारी दिमाग की सोच है। हम जो देखना चाहते हैं, हमें वही दिखाई देता है। दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग को दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम से चुरा लिया गया। एक बड़ी हैरान करने वाली घटना थी, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये थी कि इसकी चोरी के इल्जाम में जिस आदमी को शक के घेरे में लिया गया, वो थे एक और महान पेंटर, पाब्लो पिकासो। जी हाँ, शुरुआत में पाब्लो पिकासो पर इस पेंटिंग को चोरी करने का इल्जाम लगा, लेकिन बाद में काफी पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन के बाद उन पर से ये आरोप हटा लिए गए। मोनालिसा की स्माइल के पीछे चाहे जो भी रहा हो, लेकिन कुछ स्पेशलिस्ट का मानना है कि ये केवल हमारे दिमाग का खेल है। जैसा आप मोनालिसा के चेहरे को देखना चाहते हैं, वो वैसा ही आपको दिखेगा। ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज पर फोकस कर रहे हो। अब बात करते हैं कि आखिर वो कौन इंसान था जिसने मोनालिसा की पेंटिंग को चुराया था। 1911 में 21 अगस्त के दिन इसे चुराया गया था, लेकिन उस दिन इस चोरी की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं गया और इसे अगले दिन नोटिस किया गया। उस म्यूजियम को इन्वेस्टिगेशन के लिए एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया, इस कंफ्यूजन की वजह से कि शायद पेंटिंग को म्यूजियम में ही कहीं और रख दिया गया होगा। बाद में पता चला कि मोनालिसा को उस म्यूजियम के ही कर्मचारी विंसेंजो ने चुराया था और वो म्यूजियम के एक छोटे से कमरे में छुपा था। म्यूजियम बंद होने के बाद वो पेंटिंग को अपने कोट में छिपाकर फरार हो गया। 2 साल बाद इस पेंटिंग का पता लगा, जब विंसेंजो इस पेंटिंग को इटली के फ्लोरेंस शहर के आर्ट म्यूजियम के डायरेक्टर को बेचने के लिए जा रहा था। 2 हफ्ते तक इस पेंटिंग को इटली के उसी म्यूजियम में रखा गया, फिर 4 जनवरी 1914 को वापस से पेरिस के म्यूजियम में लाया गया। विंसेंजो को इस गुनाह के लिए 6 महीने की जेल हुई। इस खूबसूरत पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने के लिए कई कोशिशें की जा चुकी हैं। 1956 में बोलिवियन टूरिस्ट ने मोनालिसा की पेंटिंग पर एक पत्थर फेंका था, जिसकी वजह से मोनालिसा की पेंटिंग में मोनालिसा के बाएं हाथ की कोहनी के पास एक छोटा सा निशान हो गया था। बाद में इसे रीस्टोर कर दिया गया था, लेकिन निशान अब भी हल्का सा दिखता है। इससे पहले एक व्यक्ति ने इस पेंटिंग पर एसिड फेंका था। इसके बाद इस पेंटिंग की सिक्योरिटी को देखते हुए इसे बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर रखा गया, लेकिन इसके बाद भी एक लेडी ने इस पेंटिंग पर रेड पेन से स्प्रे करने की कोशिश की थी और 2009 में एक रशियन लेडी ने इसकी तरफ चीनी मिट्टी की छड़ी फेंकी थी। लियोनार्डो दा विंची एक लेखक भी थे, लेकिन हैरानी होती है कि उन्होंने अपने सबसे फेमस पेंटिंग मोनालिसा के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय मोनालिसा पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह से बदला गया, ताकि ये बेशकीमती पेंटिंग जर्मन नाजियों के हाथ में ना चली जाए। मोनालिसा दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल पेंटिंग है। गिनीज वर्ल्ड के अनुसार मोनालिसा हिस्ट्री की हाईएस्ट वैल्यूएशन वाली पेंटिंग है। 1962 में इसकी कीमत $100 मिलियन आंकी गई थी। 2019 में ये $700 मिलियन के आसपास है, लेकिन इसे बेचा और खरीदा नहीं जा सकता क्योंकि ये पब्लिक के लिए है।
जितना आपको लगता है ये पेंटिंग उससे काफी छोटे साइज की है। इसका साइज 30x21 inches का है और इसका वजन 8 किलोग्राम का है। लियोनार्डो दा विंची ने इसे पेपर और कैनवस पर नहीं बनाया था, एक लकड़ी के पैनल पर ऑयल पेंट से बनाया था और इतनी खूबसूरती से बनाया था कि इस पर ब्रश के निशान देखना बेहद मुश्किल है। दा विंची के टाइम में पेपर और कैनवस मौजूद थे, लेकिन उस वक्त के पेंटर ये सोचते थे कि छोटी पेंटिंग के लिए लकड़ी का इस्तेमाल ही बेहतर होगा। अब आप इस पेंटिंग को देखेंगे तो आप पाओगे कि मोनालिसा की आईब्रोज और आई लैशेस नहीं दिखती हैं। अब सवाल ये उठता है कि लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा की आईब्रोज और आई लैशेस क्यों नहीं बनाई। 2017 में एक फ्रेंच इन्वेंटर ने ये पता लगाया कि दा विंची ने मोनालिसा की आईब्रो और आई लैशेस बनाई थी, लेकिन उन्होंने बताया कि ये समय के साथ धीरे धीरे गायब हो गई। शायद ओवर क्लीनिंग की वजह से आईब्रोज और आई लैशेस छिप गए। 2003 में अमेरिकन ऑथर डैन ब्राउन का एक नॉवेल आया था, द विंची कोड। शायद आप में से कुछ लोगों ने इसे पढ़ा होगा। इस नॉवेल पर आधारित फिल्म विंची कोड आपने जरूर देखी होगी। इस फिल्म में दिखाया गया है कि मोनालिसा की पेंटिंग में सीक्रेट कोड्स छुपे हुए हैं। अपने नॉवेल की पब्लिसिटी करते हुए डैन ब्राउन ने दावा किया कि वो मानते हैं कि पूरी किताब फिक्शन पर आधारित है, लेकिन बुक में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो सत्य पर आधारित है, जिसके लिए उन्होंने काफी रिसर्च की है। इस किताब और फिल्म का ईसाइयों ने जमकर विरोध किया था, क्योंकि उनका मानना था कि हिस्टोरिकली ये इनकरेक्ट है। 1963 में फ्रांस की सरकार ने मोनालिसा को 2 महीने के लिए यूनाइटेड स्टेट भेज दिया था। वहां के म्यूजियम में दिखाने के लिए इसे 3 हफ्तों के लिए नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट में प्रदर्शित किया गया और 3 हफ्ते के लिए न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन शहर के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में इसे प्रदर्शित किया गया। एक व्यक्ति को सिर्फ 20 सेकंड का समय मिलता था मोनालिसा को देखने के लिए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त इतनी लंबी लाइन लगती थी कि एक व्यक्ति को इस पेंटिंग को सिर्फ एक झलक पाने के लिए 2-2 घंटे तक इंतजार करना पड़ता था। लेकिन हैरानी होती है कि उन्होंने अपनी सबसे फेमस पेंटिंग मोनालिसा के बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा। लियोनार्डो दा विंची के एक स्टूडेंट ने 1514 से 1516 के बीच मोनालिसा का एक न्यूड वर्जन भी बनाया था, जिसे मोना वन्ना कहा जाता है। पैरानॉर्मल क्रूसिबल ने यह दावा किया था कि मोनालिसा की पेंटिंग में एलियन छिपा हुआ है। जी हाँ, कहा गया कि अगर इस पेंटिंग को लेफ्ट साइड से मिरर के साथ जोड़कर देखा जाए तो एलियन जैसी आकृति बनती है। ये बात तब और सोचने पर मजबूर करती है जब एक और थ्योरी सामने आती है, जिसमें कहा गया कि दा विंची ने इस पेंटिंग के लेफ्ट साइड में बड़े ही सीक्रेट तरीके से एक मैसेज छिपाया है। थ्योरी कहती है कि पेंटिंग में इटालियन भाषा में लिखा है ला रिस्पोस्ता सी ट्रोवा क्वी, इसका मतलब होता है उत्तर यहाँ है। हालांकि इस थ्योरी में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती और ना ही मैं इसके सच होने का कोई दावा करता हूँ। मोनालिसा के फैन दुनिया भर में हैं। पेंटिंग पर बहुत सी कविताएं भी लिखी जा चुकी हैं, गाने लिखे जा चुके हैं। जब से इसे पेरिस के म्यूजियम में रखा गया है तब से इसे वहाँ लव लेटर्स मिलते हैं, चाहने वालों की तरफ से फ्लावर्स मिलते हैं। मोनालिसा को इंग्लिश में मोनालिसा लिखा जाता है, लेकिन इसकी सही स्पेलिंग मोनालिसा है, लेकिन इटालियन में इसकी सही स्पेलिंग मोनालिसा है। 1519 में लियोनार्डो दा विंची की मौत के बाद मोनालिसा की पेंटिंग फ्रांस के राजाओं के प्राइवेट कलेक्शन का हिस्सा बनी रही। फ्रांस की क्रांति के बाद इसे बड़े सम्मान के साथ नेपोलियन के शयन कक्ष में जगह दी गई, लेकिन 1815 में इसे पेरिस के मशहूर लूवरे म्यूजियम में रखा गया, जहां जाकर कोई भी इसे देख सकता है, लेकिन हाँ, इसके लिए टिकट जरूर लेना होगा। मैड्रिड के म्यूसियो दे प्रादो में कुछ समय से मोनालिसा की जुड़वा पेंटिंग रखी गई है। 2012 में पता चला कि इस पेंटिंग को मोनालिसा के साथ ही बनाया गया था। ये पेंटिंग हर मायने में हुबहू मोनालिसा जैसी नजर आती है। बताया जाता है कि इस पेंटिंग को फ्रांसिस्को मेजी ने बनाया था, जो दा विंची के ही शिष्य थे, और दोनों पेंटिंग्स को देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि कौन सी पेंटिंग असली है और कौन सी उसकी कॉपी है। दोस्तों, आपको कैसा लगा मोनालिसा के बारे में जानकर, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।